आज मैं आपसे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करूंगा। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि हिंदुस्तान में बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। अगर हम दुनिया भर के आंकड़े देखें तो अब तकरीबन एक तिहाई पॉपुलेशन जो दुनिया की है वो ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस से इन्फेक्टेड है, और इन एक तिहाई लोगों में से एक में 10 इंसान ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से पीड़ित हो जाएगा। एक इंसान जो है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है वो लगभग 10 से 15 लोगों को एक साल के अंदर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी दे सकता है। अगर हिंदुस्तान के आंकड़े देखें तो हजार लोगों को हर दिन हजार लोगों की मृत्यु होती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, जिसका मतलब है कि हर 3 मिनट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का केस जनरली लंग्स में होता है, टीबी। अगर कोई इंसान खांसता है, छींकता है, तेज बोलता है, इवन अगर गाता है, तो उसके थूक से, बलगम से जो कीटाणु होते हैं वो दूसरे इंसान के अंदर लंग्स के थ्रू जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जनरली लंग्स की बीमारी होती है, बट ट्यूबरक्लोसिस लंग्स के अलावा ऑलमोस्ट किसी भी ऑर्गन में हो सकती है बॉडी के, जैसे कि हड्डियों की ट्यूबरक्लोसिस हुई, हार्ट की ट्यूबरक्लोसिस हुई, नाक कान गले की ट्यूबरक्लोसिस हुई, या किडनी की ट्यूबरक्लोसिस हुई। इस तरह से कोई भी ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस के साइंस और सिम्टम्स देखें तो जनरली ट्यूबरक्लोसिस के जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो फीवर, वेट लॉस होना, भूख ना लगना, कमजोरी, थकान होना, इस तरह के जनरल सिम्टम्स होते हैं। बाकी जो साइंस सिम्टम्स होते हैं वो टीबी किस जगह की है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर फेफड़े की टीबी हो तो जनरली इंसान को खांसी और बलगम आता है, कभी कभी बलगम में खून भी आ सकता है। इंसान को चेस्ट में पेन हो सकता है जो कि बहुत तेज भी हो सकता है कभी कभी, और सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है बीच बीच में। अगर रीढ़ की हड्डी की या कोई और हड्डी की टीबी है तो हड्डियों में दर्द होगा और कमजोरी महसूस होगी। इस तरह से ऑर्गन स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स हमें ट्यूबरक्लोसिस में मिलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करना बहुत कठिन काम नहीं है, हाँ एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ट्यूबरक्लोसिस अगर लंग्स की है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम जनरली एक्सरे करते हैं और बलगम की जांच करते हैं, जिसमें हम टीबी बैक्टीरिया का विश्लेषण करते हैं। अगर ट्यूबरक्लोसिस बोन्स की सस्पेक्ट कर रहे हैं या पेट की या आंतों की सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, जो कि विशेषज्ञ आपको एग्जामिन करने के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से कि मोंटूक्स टेस्ट क्या होता है। मोंटूक्स टेस्ट एक स्किन टेस्ट है जो कि हमें ये बताता है कि किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो अगर हमने मोंटूक्स टेस्ट कराया और अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है। हिंदुस्तान में लगभग 30-40% लोगों का मोंटूक्स टेस्ट पॉजिटिव है, और हम जैसी कंट्रीज में मोंटूक्स टेस्ट की वैल्यू उतनी नहीं है। इसके अलावा और टेस्ट भी होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, जो कि विशेषज्ञ आपको एग्जामिन करने के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं। टी वैक्सीनेशन के बारे में कई बार हमसे पूछा जाता है। बीसीजी वैक्सीनेशन पैदा होते वक्त एक नवजात शिशु को दिया जाता है। ये जो वैक्सीनेशन है ये ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और बीमारी को बहुत तेज होने से बचाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीसीजी वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो सकती है। अब अगर हमें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी का पता लग गया है, हमें पता लग गया है कि उसमें इन्फेक्शन है या डिजीज़ है, तो हम एक विशेषज्ञ से कंसल्ट करें और अपना इलाज शुरू करें। जनरली टीबी का इलाज 6 महीने से 12 महीने का होता है, और इसके लिए प्रिस्क्राइब दवाइयां हैं जो कि एक रेगुलर रूटीन के हिसाब से दी जाती हैं। ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां जो हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें रेगुलरली खानी है। ट्यूबरक्लोसिस की दवाई हम कभी स्किप नहीं कर सकते। ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां क्योंकि कई सारी होती हैं, तो इसमें इनिशियली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए जो कि हम अपने विशेषज्ञ से जानकारी ले सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद कुछ ब्लड टेस्ट करने होते हैं रेगुलरली, जो कि हमें करवा के अपने विशेषज्ञ को दिखाने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा केस जिसमें ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें दवाइयाँ बदलनी पड़ेंगी और इलाज भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर इलाज हम ठीक से नहीं करते हैं या किसी वजह से छूट जाता है, ध्यान रखिए कि एक बहुत खतरनाक टीबी का रूप होता है जिसको एमडीआर टीबी बोलते हैं, या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आजकल बहुत परेशानी का विषय है।
इस बीमारी का इलाज करना एक तो बहुत मुश्किल है, दूसरा इस बीमारी का इलाज करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी हैं और कोई भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखिए, हमें टीबी का इलाज जैसे हमारा विशेषज्ञ बताया उस तरह से करना है और दवाइयाँ कभी भी छोड़नी नहीं। धन्यवाद।